वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये है हमारी पंचर किट, ये ली थी मैंने आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले, तो हमें इसकी ज़रूरत आज पड़ी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। वैसे आप सबको पता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मैं अभी इसका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। पहले मैं इसे खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या निकलता है। अभी जो है मैं आपको ये बॉक्स खोल के दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले ये जो ट्यूब है ये हमने अलग से ली थी। इसका जो काम है, जैसे हम अपना पंचर लगाते हैं, अगर हम पंचर पे इसे लगा देते हैं तो इसकी जो बॉन्डिंग है, जो इसकी चिपक है, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। क्वालिटी मतलब चिपकाने की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमें ये मिल जाता है जो पंचर लगाने का। इसमें हमारा पंचर प्रो के इसे उसमें डाला जाता है, जो जहाँ से हमारा लीकेज होती है उसमें इसे इनबिल्ड करा जाता है। और ये जो हमारा सुआँ है ये उसके लिए जो बारीक लीकेज होती है उसे बड़ा करने के लिए होता है। और दूसरा ये हमें पंचर मिल जाते हैं, और इस पंचर के साथ जो है हमें ये ब्लेड मिल जाता है। इसका काम है जो हमारा वेस्ट पंचर होता है, जो हमने पंचर लगा दिया है उसके बाद जो जगह बचती है, जैसे भार जो निकला रह जाता है, तो उसके लिए ये ब्लेड होता है, उसे एक्स्ट्रा पंचर को कट करने के लिए। तो आइए लगा के दिखाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं पंचर है भी या नहीं, और है तो कैसे लगेगा ये चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों गाड़ी को जैक से उठा लेना है ताकि टायर जो है हमारा पूरा फ्रीली घूम सके, ताकि पंचर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं फॉर्म पर थोड़ा सा शैम्पू डाल के इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कहाँ से हमारी लीकेज आ रही है, और जैसी वो हमें मिल जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे ढूँढ लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों लीकेज जो थी हमारी वो हमें मिल चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लीकेज है। तो अभी हम इस सुएँ को इसमें डाल के इसकी जो जगह इतनी बना देंगे कि जो हमारे पंचर होते हैं वो आसानी से लग सके। तो अभी हम पंचर को इस सुएँ में प्रो लेंगे, क्योंकि इसी में प्रोने के बाद इसे लीकेज के अंदर जो है डाला जाता है। तो इसे प्रोने के बाद जो मैंने आपको ट्यूब दिखाई थी, बॉन्डिंग जो दिखाई थी मैंने आपको, तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ताकि हमारा जो पंचर लगे वो थोड़ा सा पक्का मजबूत लगे, ताकि आगे चल के जल्दी से ये लीकेज ना करे। अगर हम इसे नहीं लगाते हैं तो लीकेज जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। अगर हम पंचर लगा रहे हैं तो गाड़ी में प्रेशर होना ज़रूरी है, तो इसे अभी लगा देते हैं। हमारी गाड़ी में प्रेशर अच्छा खासा है ताकि पंचर लगाने में आसानी हो, मतलब लीकेज प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होती है। तो अभी इसे क्या कहते हैं घुमा के हम निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं पंचर जो है हमारा लग चुका है। अभी एक बार हम इसे दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, मतलब पानी डाल के देख लेते हैं लीकेज कर रहा है या नहीं। और गाइस देख सकते हैं आप, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि आपको हमने ब्लेड दिखाया था, इस ब्लेड का काम आने वाला है। जो हमारा वेस्ट पंचर जो बाहर निकला हुआ है उसे हम कट कर देंगे, अदरवाइज़ ये हमें आगे चल के दिक्कत देगा। तो मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।